सभी संगीत प्रेमियों और कलाकारों का संगीत मेंटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेजर स्केल्स। जो मैं मेजर स्केल सिखाऊंगा, ये सारे जो ब्लैक कीज है 1 2 3 4 5, ये जो 5 ब्लैक कीज का सेट है, 2 एंड 3 2 एंड 3, ऐसे पैटर्न है फिंगर्स के, ब्लैक कीज के। इसे हम शार्प और फ्लैट के नाम से जानते हैं, इसे अक्सर हम शार्प और फ्लैट कीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये स्केल्स कैसे बजाना है और इसमें किस कीज के ऊपर कौन कौन सा फिंगर यूज़ होगा, ध्यान रखते हैं। जब आप एक बार ये सब स्केल सीख जाओगे तो कोई भी गाना कोई भी स्केल में आप बजा पाओगे या निकाल पाओगे, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट ब्लैक कीज है, 2 ब्लैक कीज का पैटर्न है, उसमें जो फर्स्ट ब्लैक की है वहाँ से बजाना शुरू करते हैं। सी शार्प मेजर स्केल, ये असेंडिंग ऑर्डर था सी शार्प मेजर स्केल का। अब डिसेंडिंग देखिए, तो दोस्तों इसमें ये होता है कि पहले दो ब्लैक की पे ये दो फिंगर यूज़ होता है, पॉइंटर फिंगर और मिडल फिंगर, उसके बाद नीचे से थंब यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर तीनों फिंगर यूज़ करना है ये 3 की पे, फिर वापस थंब आ जाता है और फिर पॉइंटर फिंगर। तो फिंगरिंग क्या हुई इसकी, 2 3 1 2 3 4 1 2 2 1 4 3 2 1 3 2। सिंगल किस में देख लीजिए, अब इसकी प्रॉपर फिंगरिंग देखिए, से स्लो प्रैक्टिस करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब स्लो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप थोड़ा इस पे फास्ट फिंगर घुमा सकते हो। तो ये था सी शार्प मेजर स्केल। अब इसके बाद में उसके बाद जो नोट आता है दैट इज डी के राइट साइड में डी शार्प, ये डी नोट है, डी के राइट में डी शार्प नोट। तो डी शार्प और अक्सर हम इसे ई फ्लैट भी कहते हैं। तो डी शार्प स्केल का कीज देखिए, डी शार्प मेजर स्केल में कौन कौन सी कीज आती है, और एक बार देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले फिंगर नंबर 2 यूज करना है, फिर थंब आ जाता है नीचे, थंब के बाद पॉइंटर मिडल रिंग ये फिंगर यूज करना होता है, और उसके बाद 1 2 3 ये फिंगरिंग मींस 2 1 2 3 4 1 2 3, ये इसकी फिंगरिंग है डिसेंडिंग। तो ये था डी शार्प मेजर स्केल और आप ई फ्लैट मेजर स्केल भी कह सकते हैं इसे। ये नोट को हम लोग डी शार्प और ई फ्लैट दोनों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डी से शार्प है, डी के राइट में इसलिए डी शार्प है, और ई के लेफ्ट में मतलब ई से आधा स्वर नीचे इसलिए ई फ्लैट कहलाता है ये नोट। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग एफ शार्प, थर्ड ब्लैक नोट इज एफ शार्प, इसकी फिंगरिंग देखिए, एफ शार्प मेजर स्केल। फिंगरिंग
2, descending. 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Fast baja ke dekh lijiye. तो दोस्तों ये था F शार्प मेजर स्केल। उसके बाद G के राइट में G शार्प। अब ये नोट है, हम इसे G शार्प भी कहते हैं और A फ्लैट भी कहते हैं, ठीक है। तो यू कह लीजिए कि G शार्प मेजर स्केल और A फ्लैट मेजर स्केल। फास्ट बजाइए। इसके बाद आइए बात करते हैं फिफ्थ ब्लैक कीज। 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ ब्लैक कीज को हम लोग कहते हैं ए शार्प। ये ए नोट है, ए के राइट साइड में ए शार्प है और ये बी है, तो बी के लेफ्ट में बी फ्लैट। तो इट मीन्स यू हैव टू रिफर द सेम की फॉर ए शार्प और बी फ्लैट। ओके, अब यहाँ से सारे गामा पद में सर ट्यून कैसे आता है देखिए। फास्ट बजा के देखिए। तो दोस्तों ये था सी शार्प नोट, जहां से मैंने आपको सी शार्प मेजर स्केल सिखाया। उसके बाद ये जो नोट है इसे हम लोग डी शार्प भी कहते हैं और ई फ्लैट भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड ब्लैक की है, इसे हम लोग एफ शार्प कहते हैं क्योंकि एफ के राइट में है, और जी का फ्लैट जी फ्लैट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ब्लैक की है, इसे हम लोग कहते हैं जी शार्प और यू कैन से ए फ्लैट, जी शार्प और ए फ्लैट। और ये नोट है, इसे कहते हैं ए शार्प और बी फ्लैट, क्योंकि ये ए के लिए शार्प होता है और बी के लिए फ्लैट होता है। ओके, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हमने ये पांच स्केल सीखा है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। आपको ये स्किल्स का प्रैक्टिस बहुत करने की ज़रूरत है। अगर ये आप सारे स्किल्स सीख जाओगे तो आप आड़ा टेढ़ा कोई भी सॉन्ग बजाओगे, आपको कुछ पजल नहीं होगा बजाने में। तो सिर्फ गाने के पीछे मत भागिए आप, क्योंकि सॉन्ग तो अच्छा लगता है बजाने में, नो डाउट, लेकिन सॉन्ग बजाने के लिए सबसे पहले स्केल का प्रैक्टिस ही है। क्योंकि आप अगर एक ही स्केल से सब सॉन्ग करते रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि क्या होता है, हर सॉन्ग एक अलग पिच में अलग साउंड करते हैं। कोई गाना जब हम सुनते हैं उसको प्ले करते हैं, जब वो हाई बजता तो ही अच्छा लगता है। कोई सॉन्ग का कंपोजिशन ऐसा रहता है, जब आप उसको लो बजाते हैं तो फिर वो लो में ही अच्छा लगता है। तो हर गाने का एक स्केल भी फिक्स होता है। इसके लिए हमें हर स्केल से, जो भी 12 स्केल्स है, इसके पहले भी मैंने लेसन्स में आपको सी डी ई एफ जी ए बी तक ये जो सारे वाइट कीज़ है, सारे स्केल्स मैंने सिखाए, आप मेरे पिछले लेसन में जाके देख सकते हैं। और आज के इस लेसन में ये जो 5 ब्लैक कीज़ है, जिसे हम शार्प और फ्लैट के नाम से जानते हैं, आज के लेसन में हमने ये सीखा है। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये लेसन आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे इजीली बार बार प्रैक्टिस से। और अगले लेसन में आपको एक नए गाने के साथ मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।